मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रियंका चोपड़ा जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये वीडियो कांग्रेस पार्टी की एक जनसभा को बताया जा रहा है। वीडियो में पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार का जिक्र है, साथ ही दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा भी वीडियो में नजर आ रहे हैं। 22 सेकेंड के वीडियो में नारा लगा रहे शख्स की जुबान फिसल जाती है, जो बाद में सॉरी भी बोलता है। वो नारा लगाते हुए कहता है, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका चोपड़ा जिंदाबाद, सॉरी प्रियंका गांधी सोनिया गांधी। इस वायरल वीडियो पर ट्विटर यूजर्स ने मजाकिया टिप्पणी भी की है। एक यूजर ने लिखा है, बधाई हो, आखिरकार प्रियंका चोपड़ा ने राजनीति में एंट्री कर ही ली। एक दूसरे यूजर ने लिखा, भावना में बह गए कांग्रेस के कार्यकर्ता, जल्दबाजी में प्रियंका गांधी की बजाय प्रियंका चोपड़ा जिंदाबाद बोल दिया। बता दें कि दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बनने लगा है। अनधिकृत कॉलोनियों में मुद्दे पर राज्य की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और केंद्र की सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही श्रेय की होड़ के बीच अब दिल्ली कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर पोल खोल अभियान चलाने का ऐलान किया है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने पत्रकारों से बात करते हुए अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर संसद पारित हुए बिल पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि ये बिल इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए मौत का फरमान है। दोनों ही पार्टियां नाटक कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पारित बिल में स्पष्ट उल्लेख है कि जिन कॉलोनियों में बिजली के तार लटकते मिले, जिनके पास से नेशनल हाईवे जा रहा हो, उन्हें वैध नहीं किया जाएगा। ये इन कॉलोनियों में रह रहे लाखों लोगों के साथ धोखा है। सुभाष चोपड़ा ने कहा कि दिल्ली की आप सरकार भी पिछले 5 साल से दिल्ली के लोगों के साथ नाटक कर रही है।